हाय, दिस इज डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीना न्यूट्रीफिट क्लिनिक मालवीय नगर। जन्माष्टमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को फ्लैक्स सीड से एक बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बताऊंगी, जो प्रोटीन रिच है, कैल्शियम रिच है, साथ में ही एक यमी सा रायता बताऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आइए चलते हैं किचन। तो आज जैसे कि मैंने बोला कि फ्लैक्स सीड्स का यूज करेंगे हम, फ्लैक्स सीड से हम एक स्टफ पराठा बनाएंगे। और फ्लैक्स सीड्स के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ये इसमें डाइट्री फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और लिगानिन होता है जो प्लांट कंपाउंड है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस रखता है। और हमारे पीसीओएस वाले और हार्मोनल डिसबैलेंस जिन लोगों को है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें फोलेट होता है, आयरन होता है और कैल्शियम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फ्लैक्स सीड का स्टफ पराठा। इसमें हमने ये कुछ हाफ कप के बराबर फ्लैक्स सीड का रोस्टेड पाउडर लिया है। हमने पहले फ्लैक्स सीड को रोस्ट किया और फिर हमने उसका पाउडर बना लिया। इस तरीके के फ्लैक्स सीड्स दिखते हैं। और इसके लिए जो मैंने आटा लगाया है उसमें मैंने सिर्फ जीरा और नमक डाला और ये होल व्हीट फ्लावर है, इसमें मैंने और कुछ नहीं मिलाया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुना जीरा पाउडर जिसको बोलते हैं। ये हमारे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी डाल रहे हैं इसमें हम। चॉप्ड अनियन डालेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कितना फाइबर रिच होने वाला है पराठा और कितना नरिशिंग होने वाला है। पराठे का तो बस नाम है, इसको आप अपने चीट मील की तरह भी यूज कर सकते हैं वीकेंड्स में जब आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो। इसमें हमने कोरिएंडर सीड्स और चिली भी डाल दी है चॉप करके और हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ हमेशा की तरह। और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये डाल रही हूँ। साथ में ये मैं आमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर, ये डाल रही हूँ। और साथ में इसमें हम थोड़े सेसमी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। सेसमी सीड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, डाइट्री सोर्स हैं, कैल्शियम रिच होते हैं और ये बहुत अच्छे काम करते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस पराठे में। और हमें जिन लोगों को अर्थराइटिस वगैरह है उनको तो सेसमी सीड्स डेली में ही कंज्यूम करने चाहिए। और दोनों ही जो है ये वाइट तिल और ब्लैक तिल, ये दोनों भी कैल्शियम रिच होते हैं, तो इनको भी हमें डेली में यूज करना चाहिए। ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसको हम अच्छे से थोड़ा हाथ से मिला लेते हैं। इसी तरीके से आप सेम सत्तू का पराठा भी बना सकते हैं और हम उसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तो हम एक आटे की लोई लेंगे, और उसको थोड़े सूखे आटे के साथ बेल लेंगे। आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। जो लोग ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं वो जौ का आटा, ओट्स का आटा भी यूज कर सकते हैं। मैंने आज होल व्हीट आटा लिया है। इसको अच्छे से भर के दबा लेंगे और थोड़ा सूखा आटा और लगाएंगे इस तरीके से। थोड़ा हाथ से दबा के इसकी एयर निकाल देते हैं और फिर इसको हल्के हाथ से बेल लेते हैं। स्टफिंग थोड़ी सी इसकी वेटी होती है, तो हल्के हाथ से बेलेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसे तवे पे डालें। देखिए हमने तवे पे पराठा डाल दिया है। ये एक तरफ से बन गया है।
आप इस तरीके से अपना ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी बना सकते हैं, और जो लोग वेट लॉस पे हैं उनके लिए भी ये पराठा बहुत अच्छा है, और डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस पे हम बहुत हल्के हल्के हाथ से देसी घी लगाएंगे, या आप ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। देसी घी बहुत अच्छा होता है हमारी बोन्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। और लोग क्या करते हैं, हमेशा फैट खाना बंद कर देते हैं सबसे पहले, जिसमें कि वो देसी घी को छोड़ देते हैं। इसीलिए आजकल अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, हमारी बोन्स ड्राई हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें देसी घी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये देखिए पराठा बन रहा है बहुत अच्छे से। हम तब तक एक पराठा और बना लेते हैं। फ्लैक्स सीड्स हो चाहे चिया सीड्स हो, ये सारे सीड्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जब हम इनका डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमें हेल्थ इश्यूज कम आते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। इसमें अच्छे मार्क्स आने तक, जब तक इसमें रोटी के रेड मार्क्स नहीं आ जाते, तब तक आप जो है इसको अच्छे से बनाए, कुरकुरा क्रिस्प पराठा बनेगा। देसी घी में पकने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पराठे में, और जब आपके पास नॉनस्टिक तवा अच्छा होता है तो हमें वैसे ही बहुत कम मात्रा में घी लगाना पड़ता है। तो अच्छे नॉनस्टिक पे कम मात्रा में घी लगा के इस पराठे का लुत्फ उठाएं। एक पराठा मैंने और बेल लिया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके ऊपर मैंने थोड़े से अलग से फ्लैक्स ये तेल लगा दिए, सफ़ेद तेल। ये देखिए, ये देखने में भी बहुत सुंदर है। तो इसको भी हम बना लेते हैं फटाफट से, दबा देंगे। और नॉनस्टिक तवे पे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये देखिए हमारा ये पराठा भी बनकर तैयार हो, मैंने बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगाया इसके ऊपर भी। ये जब तिल भुन जाते हैं तो इनका नटी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये कैल्शियम रिच होते हैं, डाइट्री फाइबर रिच होते हैं, तो इनका हमें अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। और विंटर्स में तो हमें इसके लड्डू बना के रख लेने चाहिए जैगरी के साथ, और घर के बने हुए लड्डू ही खाने चाहिए, क्योंकि बाहर में तो शायद ऑयल ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप घर के बनी हुई चीज़ों के साथ वेट लॉस करेंगे, और घर में ऐसी ही चीज़ों को आप बनाएंगे तो आपके घर में सभी लोगों को अच्छी आदतें पड़ जाएंगी और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है पराठे का, और ये हमारे तेल बहुत अच्छे से सिक गए हैं, ये देखिए। और ये हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। इस पराठे के साथ कुछ तो होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको इसके साथ घिया कराया था विद फ्लैक्स सीड दिखा रही हूँ बनाकर। और घिया जो है हमारी फाइबर रिच होती है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसको हम उबाल कर बना रहे हैं, और ये उबल चुकी है घिया, अब गैस बंद कर देंगे, इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। तब तक मैं आपको घिया का बताती हूँ। घिया यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी होती है, जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शंस होता है उनके लिए बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छी है, स्टमक की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और ये कैल्शियम रिच होती है। और जब भी हमारा वेट लॉस करने का बहुत तेज़ी से मन हो, इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम किसी आटे या दाल में कंबाइन कर देंगे। तो जब भी हमारा अच्छे से वेट लॉस करने का मन हो, और बहुत तेज़ी से वेट लॉस करने का मन हो, तो हम घिया डाइट पर जा सकते हैं। और घिया की डाइट मैं आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर करूंगी फुल डाइट, और इसके फाइबर कंटेंट का फ़ायदा उठाकर आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी दुरुस्त कर सकते हैं और वेट लॉस भी
बहुत अच्छी मात्रा में होगा। तो घी हमारी ठंडी हो चुकी है और फ्लैक्स सीड भी हमारे वर्सेटाइल सीड्स हैं, इनको हम कहीं पे भी डाल सकते हैं। और घी हमारी फाइबर रिच होती ही है, मैंने आप लोगों को इसकी बहुत सारी क्वालिटीज बताई। और अब हम इसको ये लो फैट कर लिया है, उसमें एक कप के करीब पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें अभी हमारी घी डाल देंगे और इसको भी बहुत अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से फ्लैक्स सीड्स, हिमालयन पिंक सॉल्ट, भुना जीरा पाउडर। आप देख रहे हैं सब चीजें गुणों की बिल्कुल खान है, और ये सारी चीजें खाने के साथ आपकी हेल्थ अच्छी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और साथ में इसमें हम डाल रहे हैं मिंट लीव्स। आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लैक्स सीड और घिया का रायता मिंटी फ्लेवर के साथ बनकर तैयार है, इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो देखा आपने ये कितनी खूबसूरती से रायता और फ्लैक्स सीड पराठा और फ्लैक्स सीड रायता विद घिया बनकर तैयार है। ये फाइबर रिच है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच है, कैल्शियम और प्रोटीन रिच है, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, और सभी प्रकार के लोग इसे खा सकते हैं। आपका डेली लाइफस्टाइल आप अच्छे से सुधार लेंगे इस तरीके की अगर आप चीज़ें अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा नाश्ता बनकर तैयार है। तो ये हेल्दी सी खूबसूरत सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी क्या बताऊं और कौन सा डाइट प्लान चाहिए। उसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।